चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 50 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक। क्वेश्चन नंबर 51, कंपनी अपने अंशों को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी कर सकती है? अ कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013? ऑप्शन ए है 52, बी है 53, सी है 54 और डी है 78। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 52। क्वेश्चन नंबर 52, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ के अपनाए जाने पर बकाया याचना की राशि पर ब्याज वसूलने की दर प्रतिवर्ष होगी। इफ द कंपनी एडॉप्ट्स टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द रेट ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कार्स इन एरियर शैल बी पर एनम। ऑप्शन यहाँ दिया गया है 5%, बी है 6%, सी है 10%, डी है 12%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10%, 10%। मतलब कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ के अपनाए जाने पर बकाया याचना की राशि पर ब्याज वसूलने की दर 10% प्रतिवर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 53, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ अपनाई गई है तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रतिशत प्रति वर्ष के द्वारा ब्याज चुकाया जाएगा। इफ टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन एडॉप्टेड, द कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस एट द रेट ऑफ परसेंटेज पर एनम। तो क्या परसेंटेज होगा? ऑप्शन यहाँ दिया गया है 6%, 12%, 8%, 10%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 12% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 54, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी स्वेट समता अंशों का निर्गमन कर सकती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर? ऑप्शन ए है 52, बी है 53 और सी है 54 और डी है 55। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडर सेक्शन 54 ऑप्शन सी। मतलब एक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अंतर्गत स्वेट समता अंशों का निर्गमन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 55, एक कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी अपने सदस्यों को पूर्णतः दत्त बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी में इशू फुली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर्स? ऑप्शन ए है 52, बी है 53, सी है 54 और डी है 63। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 63, अंडर सेक्शन 63 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, अदत्त याचनाओं की राशि अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज? ऑप्शन ए है पूंजी में जोड़ी जाती है, एडेड टू कैपिटल, बी है अंश पूंजी में से घटाई जाती है, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, सी है संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है, शोन ऑन द असेट साइड और डी है समता एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है, शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंश पूंजी में से घटाई जाती है, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। मतलब जो कॉल सिनेरियर का अमाउंट होता है उसको हम शेयर कैपिटल में से माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अदत्त याचना खाता दर्शाता है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट शोज? ऑप्शन ए है क्रेडिट सेस क्रेडिट बैलेंस, बी है डेबिट बैलेंस, सी है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस और डी है
इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 58, एक कंपनी के अंशधारक होते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर। ऑप्शन ए है ओनर्स, बी है क्रेडिटर्स, सी है मैनेजर्स, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वामी ओनर्स। एक कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ए है समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर, बी है पूर्वाधिकार अंशधारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सी है ऋणपत्रधारी डिबेंचर होल्डर्स, और डी है ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो एक कंपनी के जो स्वामी होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 60, बोनस शेयर निर्गमित किया जाता है, बोनस शेयर आर इशूड टू। ऑप्शन ए है समता अंशधारियों को इक्विटी शेयर होल्डर्स, बी है पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सी है ऋण पत्रधारियों को डिवेंचर होल्डर, और डी है आरक्षित लेनदारों को सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समता अंशधारियों को, मतलब बोनस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डरों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है समता अंशधारियों को, ऑप्शन ए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।